Now next one, just a theoretical example, different way to initialize an array with all elements as zero. Means suppose that agar aapke paas koi array available hai, then array ke sare element initialize kaise karana hai? Just zero se. This case mein find out karna just a valid option. First case mein array ke case mein size part kya 5. लेकिन इस केस में जस्ट इनिशियलाइजर लिस्ट कैसा है एम्प्टी इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू कभी भी एरे को इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं है देयरफॉर इट इज इनवैलिड ऑप्शंस. नेक्स्ट वन सेकंड केस में एरे का साइज के लिए 5 प्लस इस केस में प्रोवाइड किया गया पार्शियल इनिशियलाइजेशन लिस्ट. तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग जस्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट में असाइन किया हुआ 0 फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू कैसा हो रहा 0 अगर पार्शियल इनिशियलाइजेशन में एक भी एलिमेंट इनिशियलाइज होता है रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है आल्सो 0 तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट भी 0 से इनिशियलाइज हो रहा प्लस रिमेनिंग एलिमेंट्स भी इनिशियलाइज किससे होंगे 0 से. इट इज वैलिड ऑप्शंस. नेक्स्ट वन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी के केस में 3 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए ए बी सी. तो ए बी सी के रिस्पेक्ट में बात करें ए का वैल्यू क्या है 0 बी का वैल्यू भी क्या है 0 और सी का वैल्यू भी क्या है आल्सो 0. तो इस केस में इनिशियलाइजेशन वैलिड है इनवैलिड. सपोज दैट अगर इसका मैं साइज 3 भी लेता हूं तब भी वो इनिशियलाइजेशन कैसा है इनवैलिड बिकॉज कभी भी एरे इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर ना ही वेरिएबल अप्लाई करना पॉसिबल ना ही किसी फंक्शन को कॉल करना पॉसिबल हुआ. मींस जस्ट एक केस कैसे इनवैलिड इट इज इनवैलिड इनिशियलाइजेशन. फाइनली करेक्ट ऑप्शन क्या ओनली बी इज करेक्ट ऑप्शन.